गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, हम 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओके निखिल, कुछ पूछना है आपको क्या? नो मैम। ओके ओके। गुड इवनिंग सविता। गुड इवनिंग राजेश, अत्री। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निखिल। आप लोगों की समर हॉलीडेज कब होती है? मैम जून जुलाई में। मैम जून जुलाई। मैम जुलाई में। मैम जून में तो एक हफ्ते की होती है। जून में एक हफ्ते की होती है बस। मैम लास्ट लास्ट में होती है जून में तो। अच्छा मैम 21 जून 22। मैम 20। मैम 21 जून से हो जाएंगी छुट्टियां। 21 जून से। ठीक है। हेलो नव्या, गुड इवनिंग। अच्छा मैम की वीडियो भी नहीं आ रही है। ओके मैम की वीडियो आ रही है ना? यस मैम। यू मैम। एक सेकेंड। सॉरी सॉरी एक मिनट। ओके ठीक है। ऑल राइट, कैसे हो सब? मैम बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ऐसा क्या किया तुमने बहुत अच्छे हो जो तुम? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रक्षा सक्ता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या? गुड इवनिंग मैम। आपकी आवाज कट रही है मैम। मैं ठीक हूँ। आप नहीं ठीक हो? यस मैम। क्यों, क्या हुआ? मैम जुकाम हो गया। ओ मौसम चेंज हो रहा है ना इसीलिए। यस मैम। कोई नहीं, ठंडा पानी मत पियो, दही कम खाओ, जाओगे।
ओके हाँ गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. अच्छा चलो अब हम क्लास का मैंने तो पिछले बार भी कहा था कि मैम इवनिंग मैम क्या गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. हाँ तो मैम ने कहा था कि लास्ट टाइम टाइम से आना है ना या नहीं. यस मैम. यो यो मैम. यो यो मैम. तुम्हारी मेरे साथ बायो की क्लास कब होती है. यो यो मैम. मैम मंगलवार को. मंगलवार को है ना. ठीक है ओके ठीक है बेटा. तो मेरे को ये बात बताओ कि आज केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है तो पिछले क्लास में से किसी को कोई डाउट है. गुड इवनिंग गुड इवनिंग कमलेश. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीकू राम. ओके ओके गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. चलो एक मिनट वेट कर लेते. तरस खा लेना चाहिए ना. यस मैम. यस. चलो फिर तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊंगी. ठीक है धीमन धीमन सॉरी धीमन अक्षरा अक्षरा. गुड इवनिंग बच्चे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. हाउ आर यू मैम. बहुत बढ़िया है. आप कैसे हो राकेश कुमार. ओके तब तक जब तक लिख रहे हैं शिवानी. गुड इवनिंग. किसी को डाउट नहीं है. नो नो मैम. मतलब तुम्हें सब कुछ आ गया था. यस मैम. बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग परमिला. गुड इवनिंग निखिल. गुड इवनिंग अर्जुन सिंह पंडीर. परमिला बच्चे म्यूट कर लो. कमलेश कुमारी भी म्यूट कर लो. ओके ठीक है फाइन. तो किसी को कोई डाउट नहीं है. क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले क्लास में किया क्या. ठीक है तो मुझे बताएगा कौन. मैं बताती हूँ कौन बताएगा. प्रवीण सिंह. गुड इवनिंग बच्चे. रितु कौंडल मुझे बताओ कि हमने लास्ट क्लास केमिस्ट्री में क्या किया. मैम मैंने शायद उस दिन ज्वाइन नहीं किया था. मैं कहीं गई थी ना तब. ठीक है ये सब बायो क्लास में थे फिर. यस मैम. ओके ओके ठीक है. कौन बताएगा फिर. निखिल. ठीक है बताओ निखिल. मैम हमने मैटर के बारे में पढ़ा. मैटर के बारे में पढ़ा. ठीक है हमने और क्या पढ़ा. सक्षिता. मैम मैम हमने गैसेस की स्टेट्स पढ़ी. मैटर की स्टेट पढ़े. मैटर की स्टेट पढ़े है ना. यस मैम. गुड वेरी नाइस. क्या बात है बहुत अच्छा. निखिल गुड. सक्षिता गुड. मैटर की फाइव स्टेट्स होती हैं. मैटर की मैम सेल स्ट्रक्चर पढ़ी है. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. क्या कह रहे हो सविता. एक मिनट रुको 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 रुको. सविता क्या कह रहे. क्या कह रहे हो. मैम हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ा है. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ा है. तो केमिस्ट्री की क्लास में क्या पढ़ा. लास्ट थर्सडे हुआ. मैम उस दिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था. ठीक है लक्ष्मी. यस मैम. आपने हैंड रेज किया था ना. बताओ. यस मैम. मैम हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और स्टेट्स के बारे में पढ़ा था. मैम एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें आपने नमक और चीनी को मिलाने पर क्या हुआ वो किया था. फिर मैम ठीक है बस बाकियों को भी देना. बाकियों भी रामलाल जो बच्चा है रामलाल. ठीक है आप मुझे बताओ. मैं बताती क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमने वो मिक्स किया था ना वो हमने क्यों किया था. मैम मैंने लगाई थी क्लास. मेरे पास नहीं था फोन. आपने क्लास ही लगाई. ठीक है दिव्यांशी बताओ.
मैम वो इसलिए किया था क्योंकि मैम ये जानने के लिए कि वाटर के बीच में कितनी स्पेस होती है. वेरी गुड, क्या बात है. नव्या, नव्या ने हैंड रेस किया था आई गेस, है ना. Yes, हाँ जी, आप बताओ. मैम मैम ताकि उससे पता चले कि मैम वाटर के बीच में स्पेस है और कि सबसे पहले नमक घुलता है फिर चीनी. मैम वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है यार, सारे पढ़ के आए हो, मेरा तुमने दिल जीत लिया. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. Yes, thank you, ma'am. उसके बाद मैंने क्या करवाया प्रवीण सिंह, आपने तत्व बताए थे कौन कौन से होते हैं. तत्व मतलब स्टेट्स. मैम पंच तत्व, पंच तत्व, पंच तत्व. ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड, क्या बात है प्रवीण, तुमने कुछ अलग बता दिया. ठीक है, एक मैम और आपने मैटर के बारे में भी बताया था, पंच तत्व बताए थे और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बताई थी. बस 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 बस, एक या दो पॉइंट बताना है, तुम सब बता दोगे तो बाकी क्या बताएंगे. विक्रम संध्यार बताओ. मैम आपने करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए थे मैटर के, मैटर की स्टेट्स और मैटर के बारे में पढ़ा था हमने, पंच तत्व. और जो इसमें आपने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था कि जो जो पानी है उसमें कितना स्पेस है, कि उसमें सॉलिड जल्दी घुल जाता है या लिक्विड या फिर स्पेस किसमें ज्यादा आता है. आपका नाम क्या है, विक्रम तो नहीं है आपका नाम. नाम आरुषि. आरुषि, नाइस, गुड. ठीक है, बहुत बढ़िया. कुछ ऐसा पॉइंट है जो रह गया है. नो मैम. सब कवर हो गया, हमने सब कवर कर लिया. मैम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ाया था. यस, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया था, है ना. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि हमने पढ़ा कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, उनका कैसे रहता है ना. फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट. अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है पिछले क्लास से. वैसे तो बहुत इजी था, है ना. यस मैम, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़े बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़ना है. ओके. यस मैम. यो मैम. ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. नो मैम नो डाउट. ओके ठीक है. गुड इवनिंग प्रवीण सिंह, चलो लेट्स स्टार्ट. फाइन, सो अब सारे म्यूट कर लो. रुक जाओ एक सेकंड. ठीक है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैम की आवाज अच्छे से आ रही है. Yes, ma'am. यो मैम. ओके okay, क्या बात है, बच्चे समझदार हो गए मेरे. यो यो सीख लिया तुमने है. Yes, यो मैम. ग्रेट. चैप्टर का नेम क्या है बताओ जल्दी. मैम इज मैटर. Matter in our surroundings. हमारे आसपास के पदार्थ. ठीक है. Properties of पदार्थ. Solid, liquid and gas. यानी matters के properties के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. आज की डेट क्या है? 8 जून 2020 में आपका स्वागत है ना. 2020 चल रहा है ये. चलो ठीक है, ओके फाइन. अब आज का जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है यानी कि आज जो मैम पढ़ाने वाले हैं वो है क्या, मैटर. मैटर यानी क्या था हिंदी में यार, मैं भूल गई. बिल्कुल, पदार्थ. तो जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में, उसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. यो यो मैम. यस यो मैम. चलो लेट्स स्टार्ट. यस मैम. यो यो मैम. यो यो मैम. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में. तुम्हें मैंने पिछली बार सबके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ एक एक चीज समझा दिया था, लेकिन हमारे को इनकी प्रॉपर्टीज, हमें बस ये पता है कि एनवायरनमेंट में जो सॉलिड है, लिक्विड है और जो गैस है वो कैसे रहता है.
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने सीखा। प्रॉपर्टीज का हिंदी क्या हुआ? विशेषताएं। हिंदी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, इतनी नहीं आती मैम को हिंदी, भूल गया मैम, टेंथ में गया था मैम ने, अब सोचो पता नहीं कितने साल हो गए मैम को थोड़े, ठीक है। तो आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं, तुमको याद है ना, एक सेकंड दो मैम को, एक सेकंड, कहाँ पे गया, एक सेकंड तो, बस एक सेकंड मैम, एक सामान लेकर आए तुम्हारे लिए ला रहे हैं। रीटा देवी इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? रीटा देवी आवाज आ रही है? अंकुश कुमार, कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? नो मैम। फिर हाथ क्यों खड़े कर रहे हो, क्या हुआ? वैसे ही मन कर रहा है इसलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, क्या कह रहे हो? यो मैम। अच्छा ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें क्लास। प्लीज ध्यान से सुनो, कोई शोर नहीं मचाएगा। यो मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। ओके, अब ये देखो, ये है ग्लास, ठीक है। इस ग्लास के अंदर मैम ने आपको पिछली बार मैम ने क्या डाला था? तो आज मैम क्या करेंगे, ये इतना नटखट है, ये आना नहीं चाहता स्पून में, बताओ ये क्या है? शुगर। यस, शुगर मैम। चीनी। थोड़ा सा शुगर मेरी लैपटॉप गिर गया, रुक जाओ, मेरी लैपटॉप खराब हो गई। अरे यार रुको रुको, ठीक है, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा उससे पहले तुम्हारे को क्या इसमें बबल दिखाई दे रहे हैं? बताओ मुझे, बबल क्यों दिखाई देते हैं? बबल्स क्यों दिखाई देते हैं मैम? क्योंकि इसमें स्पेस होता है। बिल्कुल, पार्टिकल्स ये पानी के अंदर स्पेस ले रहे हैं, इसीलिए जगह बना लिए इसने पानी के अंदर। क्या कह रहे हो मैम? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन को दर्शाते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैम, स्थान मैम, क्या मैम ये बताते कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके गुड, अब ये जो मैम ने शुगर लिया, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या तुमने देखा कि इसमें शुगर जा रहा है? क्या किया देखो, अच्छा म्यूट कर लो, म्यूट कर, एक सेकेंड। अब क्या है कि इस वाटर के अंदर मैंने शुगर को मिलाया, तुमको दिख रहा है शुगर? यो मैम। पे क्या लिखा है? यो मैम। स्क्रीन पे भी यही लिखा हुआ है बेटा कि दिस वाटर, इस पानी के अंदर हमने क्या किया, ये देखो ये पानी है, इसके अंदर मैंने शुगर मिला दिया, चीनी मिलाया, जैसी चीनी मिलाया मैं क्या करूंगी, इसको स्टिर करना शुरू करूंगी, स्टिर यानी मिलाना शुरू करूंगी। दिख रहा है तुमको कैसे इसमें शुगर घूम रहा है पानी के अंदर? टाइम आएगा ये जो शुगर है ये इसके अंदर मिल जाएगा, खुल जाएगा, तो यानी कि ये जो बेटा, बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अगर आप म्यूट नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि दूसरे बच्चे उनको आवाज नहीं आएगी, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, और फिर तुम्हारी घर की कहानियां भी मुझे पता लग जाएंगी, पीछे से कोई टीवी सुन रहा है या तुम्हें कोई मार रहा है, मुझे सब पता लग जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब ये जो मैंने चीनी डाला है इसमें, इन चीनी को बोलेंगे हम पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स, इस चीनी ने जगह ली पानी के अंदर,
यो मैम ठीक है ये देखो चीनी ने ले ली जगह पानी के अंदर। बेटा म्यूट कर लो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस सुनेंगे। यो भी मत बोलो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो ये इसने मिलना, मिल जाना है इसके साथ। जैसे इसने मिलना क्या होना कि इस पानी ने इस शुगर को, इस चीनी को सोख लेना। क्यों सोख लेना? क्योंकि पानी में स्पेस है, पानी में जगह है, तो ये पार्टिकल यानी जो चीनी है पार्टिकल, इसने मिल जाना है, खुल जाना है, ठीक है। समझ में आया? अब बोलो यो मैम। यो मैम। कोई डाउट है? उस दिन भी मैंने तुम्हारे को एग्जाम्पल करके बताया था, है ना? तो तुमको समझ में आया था? यो मैम। यस यो मैम। एक मिनट दो बस। ओके, तो अब ये क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो ना पार्टिकल्स, पहले देखो कितना बड़ा शुगर था ये, अब कितना छोटा सा हो गया, दिख रहा है तुमको? यो यो मैम। यो मैम। ओके, बहुत ही पतला हो गया। तो पार्टिकल्स जो है वो मैटर के अंदर, पार्टिकल्स जो है चीनी मैटर के अंदर, मैटर यानी पानी के अंदर कंटिन्यूसली बार बार घूम रहा है। ऐसे घूमने के वजह से उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब इस पानी के अंदर चीनी मिल जाएगा तो पानी है मैटर, चीनी है पार्टिकल, एक एनर्जी इसमें घूम रही है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। जैसे ही ये टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इसमें, ओके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो पिक्चर, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये मैटर के साथ कंटिन्यूअसली यानी लगातार घूमते रहेंगे। देख रहे हो ना कैसे घूम रहा है इसमें ये? एक एनर्जी लग रही है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ये घूमने में हेल्प करेगी, एक मोशन प्रोड्यूस करेगी। कृपया करके म्यूट कर लो वरना आवाज गूंजेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें एनर्जी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि एक मोशन है, मूवमेंट है, इसीलिए उसमें एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ? नो मैम। मैम एक बार और बता दूं? मैम रिपीट कर दो। देखो ये पानी है, पानी में चीनी दिखाई दिया तुमको? यस मैम। हाँ देखो, अगर आप सब म्यूट नहीं करोगे ना तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो दो मिनट म्यूट कर लो, समझ लो कंसेप्ट क्या है, उसके बाद अब यो बोलो, बल्ले बल्ले बोलो, थल्ले थल्ले बोलो, चलेगा, ठीक है। पानी वाटर है, मैटर, ठीक है, क्या था हिंदी इसका? पदार्थ। वाटर में मैम ने डाला शुगर, चीनी डाली चीनी, ठीक है, वो है आपका पार्टिकल। पार्टिकल, इस पार्टिकल ने इस मैटर के अंदर ली जगह, स्पेस ले ली। स्पेस लेने के वजह से ये क्या हुआ, इसमें घुल गया, मिल गया, मिक्स हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब पार्टिकल ने क्या किया, मैटर में घूमना शुरू किया। घूम वो कैसे रहा है बेटा? इसमें मैम काइनेटिक एनर्जी लगा रही है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें आप क्या करेंगे, आप एनर्जी लगाएंगे जिससे कि आपको मोशन दिखाई देगा। तो आप मोशन देख रहे हो ना, मूवमेंट हो रही है, मोशन यानी मूवमेंट, ठीक है। मोशन का मतलब है मूवमेंट,
मैम यहाँ लिख देते मूवमेंट, मूवमेंट यानी हिलना हिलना है ना। जब तुम अपने बेड से उठते हो तो तुम एनर्जी लगाते हो या नहीं लगाते हो बाथरूम तक जाने के लिए? मूवमेंट इज मोशन, याद रहेगा तुमको? बस यही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली यानी कि लगातार ऐसी उसकी मूवमेंट हो रही है, उसमें एक एनर्जी लग रही है, वो है काइनेटिक एनर्जी। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो यार। काइनेटिक एनर्जी लगेगी तो क्या होगी? मूवमेंट होगी। बस यही तो बताया इसमें। देखो आप कैसे इसमें मूवमेंट हो रही है, हर जगह उसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, किसी को कोई डाउट है वो ही बोलेगा, जिसको अगर कोई डाउट है। नो मैम। ओके चलो, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? अब हाँ एक चीज बताना मैं भूल गई, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या होगा? बेटा टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तापमान जब बढ़ेगा, तब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तुमने कभी पानी उबलते देखा है? सोचो ये बर्नर है यानी कि ये चूल्हे पे तुमने रखा अपना, क्या बोलते उसको, तवा नहीं कहते, पतीला। पानी का पतीला रखोगे, जैसे ही तुम पानी का पतीला रखोगे वैसे तुम्हें बुलबुले दिखेंगे क्या? जब वो गर्म होगा, ध्यान से सुनो मैम क्या कह रहे हैं। मैम बोल रहे हैं कि जैसे ही आप तवा रख, जैसे ही आप पतीला रख देते हो वैसे थोड़े बुलबुले आ रहे हैं। उसको पहले पानी गर्म होगा, गर्म होके वो उबलने के लेवल पे आएगा, जब वो उबलेगा तब उसमें से बुलबुले आएंगे। ऐसे थोड़े बुलबुले आ जाएंगे, नहीं तो तुम्हें खुद बुलबुले बनाने पड़ेंगे स्ट्रॉ डाल के। ठीक है, समझो क्या बोल रहे हैं? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने इनको, इसको आपने सोचो चीनी वाले पानी को उबालने रख दिया, जैसे आपने इसको उबालने रखा तो क्या होगा कि इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो जैसे चीनी है ना, चीनी का पानी, पानी ये क्या करेगा, उबलने लग जाएगा। ठीक है मैम, ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स तो ऑब्वियसली हाँ मिक्स होगा। मैम आपको एक सिचुएशन बता रहे हैं, जब एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स मूव करेंगे। चलो वो सब छोड़ो, पनीर किस किस को पसंद है? यो मैम, अरे सबको पसंद है ना? नो मैम। ठीक है तो दाल, चलो राजमा ले ले। राजमा में यही हो मैम? अच्छा पनीर में नो मैम। ठीक है अब राजमा ले लिया, मम्मी ने बढ़िया तड़का लगा दिया है ना, लेकिन एक टाइम आता है जिसमें आपकी राजमा उबल रहे होते ना, कूद रहे होते हैं ना। क्यों कूद रहे होते हैं? जो राजमा है वो आपके पार्टिकल्स हैं, वो क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर तापमान मम्मी ने बढ़ा दिया ताकि वो अच्छे से उबले और तुम मस्त चावल और क्या बोलते हैं घी के साथ खाओ। में पानी तो नहीं ना आ रहा तुम्हारे? जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो क्या है, अभी देखो ये डिफ्यूजन से पहले, अब डिफ्यूजन क्या होता है पहले वो समझ लो। ये चीज समझ में आ गई सबको, टेम्परेचर वाली बात? जैसे ही ओके, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्या होगा, एक तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, दूसरी चीज क्या है
कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, याद रखना ये। दोबारा बता देते, तापमान बढ़ने पे पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तापमान के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके मैम, अब सुनो ध्यान से, दो अलग अलग पार्टिकल्स हो, दो अलग अलग, अच्छा अब सब म्यूट कर लो प्लीज, शुक्रिया, बहुत अच्छे बच्चे। दो अलग अलग पार्टिकल्स को जब आप मिक्स करोगे, यानी कि मैम ले लेते हैं चीनी और नमक, चीनी एक पार्टिकल हो गया और चीनी एक नमक हो गया, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। जैसे ही मिलाया और इसको मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, चूल्हे पे रखा मैंने उसको या स्टव पे रखा, तो क्या होगा, आग उबलेगी, सॉरी आग लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका जो तापमान है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से इस पिक्चर को, बिफोर डिफ्यूजन, तो मैंने डिफ्यूजन तुमको समझा दिया, ये एक पिक्चर है डिफ्यूजन से पहले, ये एक पिक्चर है डिफ्यूजन के बाद। तो डिफ्यूजन के से पहले इस पानी को क्या बोलते हैं उसको, स्टव पे रखने से पहले ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हीट करना शुरू किया, आग लगा दी मैंने इसको, तो देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे ये तो चिपके हुए हैं, यहाँ पे देखो सारे अलग अलग है, देख रहे हो दूर, अब ये दूर क्यों है, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर कर दिया ज्यादा और हीटिंग हो गई ज्यादा, ठीक है। तो मैम अगर कभी भी ऐसे लिखे ना, इसका मतलब है ज्यादा कुछ भी, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ज्यादा डिफ्यूजन हो गया, इसका मतलब होता है कम, नीचे जा रहा है ना तो कम, ऊपर जा रहा है तो ज्यादा, ठीक है, इजी हो जाता है आपको नोट्स बनाने में। तो मैम को आपने देखा होगा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना मैम ये क्या लिखा हुआ है आपने, ठीक है। सबको तो बस एक टाइम आ जाता है कि ये जो मैटर है क्या करेगा, मैटर स्पेस में घुल जाएगा, यानी कि अब मैंने इस पानी को मिलाया तो ये नमक और चीनी वाला पानी धुए के अकॉर्डिंग, यानी वाटर वेपर के अकॉर्डिंग आसमान में चला जाएगा। अब जब तुम खाना बनाते हो, तुमने देखा है ना राजमा तुम्हारा उबल रहा है और वहां से भाप भी तो निकलता है ना, धुआं निकलता है ना, जो धुआं है वो किधर जाता है, वो तो वाटर वेपर है, तो किधर जाएगा मैम, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हवा में चला जाएगा, तो वो बादलों की तरफ चला जाता है, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर की बातें सुनूं, तुम्हें पता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है? नो मैम, नो मैम नहीं पता तुम्हें क्लास रिकॉर्ड हो रही है, म्यूट कर लो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है पर तुम्हारी घर की बातें सुने उसके लिए। अच्छा मैम को सब सुन रहा है, चलो जो अनम्यूट करके बैठे, ओके तुम बोलो और फटाफट से म्यूट कर लो, ठीक है, भूल मत जाना। नेक्स्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है मैम, चलिए आगे। पार्टिकल्स जो है वो मैटर में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरों को, जैसे कि एक चुंबक दूसरे चुंबक से चिपकता है, वैसे ही मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरों से आकर्षित हो जाते हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई? समझ में आ गया, मैटर समझ में आ गया, आकर्षित समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा
एक दूसरों के साथ पकड़ के बैठे होते हैं। वो बस में जाते हो तुम पकड़ के बैठते हो ना, वो बस पूरी हिल रही होती है, तुम ऐसे झूल रहे होते हो। पकड़ा नहीं है तो तुम साथ वाली की सीट में पहुंच जाओगे, वो गाड़ी ऐसे मोड़ेगा तो इधर वाला अड़ जाओगे, इसलिए उन्होंने डंडा दे रखा है ना पकड़ने को। चिपके डंडे के साथ नहीं होते हैं, खड़े रहे बेचारे ऐसे पकड़ के झूल रहे होते हैं, देखा होगा तुमने। तो बेटा वैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, वो एक दूसरे के साथ ऐसे पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तेरे को छोड़ के, ठीक है वैसा। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहती है। मैम के कहने का मतलब ये था कि अगर बस में बैठे हो और अगर आप ना पकड़ो और आपने छोड़ दिया, मस्त हवा खा रहे हो, थोड़ी देर में आप पलटी मार के दूसरे कोने पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया मैम? इसीलिए जो मैटर में पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठते हैं, ठीक है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रहती है। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, मैम उसको हिंदी में बोल रहे हैं तो आप साथ साथ में हिंदी में नीचे लिख लो। ठीक है, अब ये मत कहना मैम इसको पूरा ट्रांसलेट करो, मैम को नहीं आता ट्रांसलेशन, लेकिन मैम आपको हिंदी में समझा दे। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, इकट्ठे बैठे इकट्ठे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरों को पकड़ने की शक्ति है इसीलिए। ठीक है, तुम्हारे को मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, सो द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स, अब ये जो अब इतना इन्होंने पकड़ के रखा है कुछ तो आप में मतलब एनर्जी होगी ना। बढ़िया राजमा चावल खा के बैठे हो तभी तो आप बस को पकड़ पा रहे हो ना। अगर आप राजमा चावल को नहीं पकड़ोगे तो आप ऐसे झूलते रह जाओगे। तो झूलते रहते हो या नहीं रहते हो? वैसे ही इतना फोर्स आपने लगा के रखा है, सोचो अगर आपने हल्के से ऐसे पकड़ के रखा और अंगल ने ब्रेक लगाई, तुम साथ में उड़ते हुए सामने वाली सीट में जाके गिरोगे या नहीं गिरोगे? कस के पकड़ना पड़ेगा उसको, तुम कस के पकड़ोगे। यानी अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, का मतलब ये है कि अगर तुमने फोर्स लगाया है किसी पार्टिकल के ऊपर, जान लगाई है तुमने उस डंडे के ऊपर, तो क्या है कि तुम नहीं गिरोगे। यहां तक सबको क्लियर है? ये जो पार्टिकल्स है ना अलग अलग फॉर्म में होता है, यानी कि मैटर के फॉर्म में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और बाकी दो और थे हमारे प्लाज्मा और बोन आइंस्टाइन, राइट? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो गैस है सबसे ज्यादा क्या है मैम, इसमें सबसे ज्यादा स्पेस होता है। वेरी गुड, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा कम बहुत अच्छा, लेकिन मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा, किसमें ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होती है। मुझे अगर इसको पकड़ना है, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, सोचो मैं आपको ये बुक पकड़नी है, तो ये बुक कैसी है? मैं इसको पकड़ सकती हूँ है ना, लेकिन इसमें पानी है, क्या मैं इस पानी को पकड़ सकती हूँ? नो मैम, पकड़ सकती हूँ लेकिन इतना नहीं पकड़ सकती जितना मैं बुक को पकड़ सकती हूँ, है ना, थोड़ा बहुत रहेगा, एक या दो मुश्किल से, और दो मिनट के बाद इस पानी ने गायब हो जाना है ना। तीसरा कौन है? गैस। गैस तो वैसी हवा में उड़ जाती है, कहाँ पकड़ोगे तुम उसको, है ना, पकड़ते रह जाओगे। आसपास तो मेरे गैस ही प्रेजेंट है मेरे, अभी अगर मैं देखूं तो CO2 और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं पकड़ने की कोशिश करूं देखूं मैं पकड़ नहीं सकती हूं, पकड़ सकती हूं मैं? नो मैम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ओके, किसमें? सॉलिड में, और गैस में सबसे कम।
क्लियर है सभी को? डाउट है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से बता दो। मम्मी डाउट था जी, बोलो। मैम आपने बताया था कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तो मैम कौन सी एनर्जी बढ़ती है साथ में? काइनेटिक एनर्जी। यस मैम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और कुछ किसी को और कुछ पूछना है? चलिए आगे। नो मैम। ठीक है मैम। अब देखो ध्यान से सुनना, ओके। ये है हमारे आइस क्यूब्स। क्या है ये? आइस क्यूब है ना। तो अब तुमने क्या करना है, सबके घर में फ्रिज है ना? यस मैम। बर्फ रख रहे हो सब अपने घर में या नहीं रख रहे? यस मैम। यस मैम। तो तुम फटाफट से किचन में जाओ और एक बर्फ उठा के प्लेट में ले आओ। थोड़ा सा बर्फ, ज्यादा नहीं, पूरा कट्टा उठा के ले आना। छोटा सा बर्फ लेके आओ, जाओ दौड़ के जाओ। जैसी वापिस आओगे यो यो बोलना। यो यो मैम। यो यो मैम। वेरी गुड। यो यो मैम। क्या बात। यो यो मैम। यो यो मैम। क्या बात, क्या बात है। दौड़ के लाए तुम या तुमने बर्फ अपने पास ही रखा हुआ था सबने? मैम दौड़ के लाए। क्या बात। मैम आपके लाए। यो यो मैम। यो यो मैम। ओके मैम। यो यो मैम। यो यो मैम। जल्दी जल्दी दौड़ के आओ। यो यो मैम। यो मैम। ठीक है, कोई ऐसा है? मैम मेरे घर में तो बर्फ ही नहीं है। सबके घर में बर्फ है, क्या बात है। अरे शर्माओ, हमारे घर में बर्फ नहीं है तो? मैम मेरे घर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप जाओ दौड़ के पानी ले आओ। जिसके पास बर्फ नहीं है वो पानी ले। यो यो मैम। यो यो मैम। ठीक है, अब उस बर्फ को वहीं पड़े रहने दो। ठीक है, तुमने बर्फ को खाना नहीं है, तुमने उसको देखना नहीं है, तुमने उसको छेड़ना नहीं है, तुमने मेरी बात सुननी है। ठीक है। अब सारे म्यूट कर लो, सारे म्यूट कर लो। अब आइस क्यूब्स जो है, अब तुम लेकर आए, अब तुमने वहां उसको रख दिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे वो जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। क्यों है? आपके कमरे के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। ओ सॉरी, टेम्परेचर ज्यादा है इस वजह से ये जो बर्फ है ये पिघल रही है, क्योंकि बर्फ का तो टेम्परेचर कम होता है। कम टेम्परेचर में आपने फ्रिज में रखा, इसलिए वो बर्फ। बेटा म्यूट कर लो बच्चे। टेम्परेचर कमरे का ज्यादा है इसीलिए वो जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो गया। क्या आपका बर्फ पिघल रहा है? कोई ऐसा है कि मैं मेरा बर्फ तो नहीं पिघल रहा, मेरा बर्फ तो एकदम ठंडा है, ऐसी पड़ा हुआ है। मैं मेरा तो पानी भी नहीं हो गया। क्या हो गया? मैं मेरी बर्फ तो चल भी रही है। बर्फ चल रही है वो पूरी पिघलने वाली है। अब ये बर्फ होगी पानी है। क्या कह रहे हो? मैम मेरी पूरी कन्वर्ट होगी पानी में। क्या बात है, देखा, कन्वर्ट हो गई पानी में। पानी क्या है? वाटर, लिक्विड में। देख रहे हो ना तुम? रंग बदल लिया, देखो बर्फ ने अपना। सॉलिड था, लिक्विड बन गया वाटर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है बाहर। समझ में आया? क्लियर हुई है बात या नहीं क्लियर हुई है बताओ? क्या बोल रहे हो? मैम लिक्विड के बाद ही गैस स्टेट में आ जाएगा। गैस स्टेट में तब आएगा जब आप इसको उबालोगे, मतलब गैस अगर नहीं भी उबालोगे बट थोड़े टाइम बाद, कुछ 15-20 मिनट बाद उस पानी को आप, मतलब पानी वो चला जाएगा, वेपर बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा उसको, टाइम लगेगा है ना, वो पानी गिरा होता है थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाता है, ऐसा थोड़ी धरती उसको ले लेती है, वेपर बन जाता है, ठीक है। अब सोचो उसी, अब तुमने जाना नहीं है उबालने पानी, बैठ के सुनो अब तुम, ठीक है। अब तुम सोचो तुम जो बर्फ लेकर आए, बेटा म्यूट कर लो बच्चे, क्या हो गया, म्यूट ऑप्शन है वहां पे नीचे, म्यूट कर लिया सबने, अभी भी मुझे आवाजें आ रही हैं। यो मैम, ओके ओके, यो नहीं बोलना, यो नहीं बोलना, बस शांति। अब जो तुम बर्फ लेकर आए वो बन, वो था सॉलिड, सॉलिड से बना वो लिक्विड, अब पड़ा रहेगा वो, जब तुम्हारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी तब देखना, वो क्या है ऑलमोस्ट पहले इतना पानी होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो पानी पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी पानी को उबालने चले जाते हो किचन में, लेकिन जाओगे नहीं, ठीक है, किचन में जाओगे और वो क्या होगा, पानी को आप तवे में, तवे में नहीं, पतीला, पतीला उसमें डालोगे, तो वो थोड़े ही टाइम में, पांच मिनट भी नहीं, दो मिनट के अंदर क्या होगा, पानी वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो एकदम गायब हो गया। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई पहले मुझे? यो यो मैम, यो यो मैम, यो यो मैम, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, सॉलिड जो है, जो बच्चे बर्फ के साथ खेल रहे हैं यहाँ ध्यान से सुनो, सॉलिड जो है इसमें स्पेस कम रहता है, इसीलिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। स्पेस कम है, मैम लिख रहे हैं एफ ओ ए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। हमारा आइस के, आइस क्यूब से वाटर बन गया, वाटर से, वाटर में क्या होगा, स्पेस सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, लिख लो आप, थोड़ी सी ज्यादा है, अरे दूसरा वाला था आना था, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। यही वाटर, यही पानी भाप बन जाएगा, भाप कहते हैं ना इसे, और क्या कहते हैं, दुआ, दुआ, ठीक है, वाटर, वाटर वेपर, वाटर वेपर बन जाएगा, तब क्या होगा, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, ठीक है। सबको ये समझ में आया या नहीं आया पहले, ठीक है। तो जब बेटा आप अपने डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसा सेम बना लो, इजी हो जाएगा, नहीं आपको डायग्राम बनाना कोई बात नहीं, आप सिंपल लिख लो गैस, वाटर, वाटर वेपर, मैम ने सारा लिख दिया यहाँ पे, ऐसे लिखोगे तो इजी हो जाएगा, टेम्परेचर भी लिख लेना, ठीक है, साइड पे टेबल सब बना के आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यो यो मैम, आगे ओके। अब देखो जो सॉलिड है, सॉलिड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके पास तीन प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। इसके पास एक प्रॉपर शेप होती है, जैसे कि मेरे पास ये स्पून है, इसकी एक शेप है, चाहे मैं इसको उबालू, चाहे मैं इसको नदी में डाल दू, चाहे मैं इसको आसमान में उड़ा दू, इसका जो शेप है वो ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। इसको हमने बोल दिया सॉलिड, कौन, चम्मच, चम्मच। इनके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री का क्या मतलब है कि सिर्फ ये कहीं कहीं पर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, चम्मच को हम मैगी तो नहीं खा सकते, मतलब खा सकते हैं बट सब कुछ नहीं खा सकते। क्या हम चम्मच से रोटी खा सकते हैं? नो मैम। क्या हम चम्मच,
क्या हम चम्मच से सिलेंडर को उठा सकते हैं? नो मैम, है ना? तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है? हर एक चीजों की सॉलिड जो चीज होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है अलग, इनका अपना खुद का एक वॉल्यूम होता है, याद रखना, सबको याद रहेगा। अब आते हो लिक्विड में बेटा, लिक्विड स्टेट यानी पानी वाला स्टेट, ठीक है? ऑब्वियसली हमारे पास पानी है। एक बार वापस करना। ओके, नोट्स बाद में बना लो मैम, ग्रुप में सेंड करेंगे आपको। मैम स्क्रीनशॉट ले लें हम। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा मैम ग्रुप में डालेंगे तो फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे, मेमोरी फुल हो जाएगी। एनीवे चलो कोई बात नहीं, मां मर्जी आपकी, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, और नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, चलेगा। लिक्विड स्टेट में क्या है बेटा? पानी। अब पानी जो है इसके पास क्या होता है? इसके पास खुद का अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी कि ये इतना ही रहेगा। अगर ये मेरे पास कितना बोलो 10 मिलीलीटर का ग्लास है, तो इसमें मैंने 10 मिलीलीटर ही मैं डाल सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं डाल सकती। लेकिन पानी किसी भी शेप में डाल सकते हैं। अभी सोचो कि मैंने पानी डाला ग्लास में, तो इसने इसकी शेप ले ली ना। अगर मैं पानी को मटके में डाल दूं, मैं पानी को इस पानी को मटके में डाल दूं, तो वो मटका जैसा हो जाएगा ना। इसलिए उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं है इसका, ठीक है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट है? आगे चले। जैसे पानी है ना, ये ग्लास है, देखो इस ग्लास में मैंने पानी डाला। पानी जब आप नलके से लेते हो तो वो टंकी से आता है, जब वो आप ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। इस पानी को मैं मटके में डालूं तो मटके जैसा शेप हो जाएगा, इसको मैं जग में डालूं पानी को तो वो पानी उसमें हो जाएगा। चाहे आप चाय बना लो, चाय आप पतीले में बनाते हो, है ना, पहले फिर आप उसे आप ग्लास में डालते हो वो ग्लास की शेप हो जाती है। तो पानी ले लो, चाय ले लो, कॉफी ले लो, जूस ले लो, जो भी लिक्विड चीजें होती है इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिसमें डालोगे वैसी बन जाएगा, ठीक है? सॉलिड का अपना खुद का एक शेप है, जैसे कॉपी की अपनी शेप होती है, पेन की अपनी शेप होती है, ये सब सॉलिड चीजें हैं। चलो आगे, गैसियस स्टेट, इनका ना वॉल्यूम होता है ना ही इनका कोई फिक्स्ड शेप होता है। ऑब्वियसली बात, तुमने आज तक कभी देखा है गैस को? नो मैम। है ना, फील कर सकते हो जब तुम हवा में उड़ रहे होते हो, ठीक है? चलो क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट फटाफट से बताओ पहले मुझे। गैसलेट का? यस मैम। ओके, देखो गैसियस में होता है, जैसे आपका वाटर वेपर होता है ना, अब जो तुमने वो बर्फ लाया था वो पानी हो गया, पानी से वो थोड़े टाइम में धुआं बन जाएगा अगर आप उसे चूल्हे पर जलाएंगे तो, ठीक है? बट उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, यानी कि आप देख रहे हो आसपास, है ना, गैस है लेकिन पढ़ नहीं सकते, ना आप उसको देख सकते हो, ना उसको छू सकते हो, लेकिन वो आपको छू सकता है, ठीक है? समझ में आई? यो 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 चलो मुझे अब बताओ कि तुमने आज क्या क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी और वेरी गुड के बारे में किसके बारे में प्रॉपर्टी वॉल्यूम शेप स्टेट ऑफ गैस मैम
ठीक है, जो मैम ने लिख दिया वो तो नहीं बोलो, नया बोलो और क्या पढ़ाया। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा और सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक आज की क्लास में से किसी को कोई डाउट है पहले बताओ। फाइन, अब एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बताओ ऐसे कौन से तीन सब्सटेंसेस हैं जो कि लिक्विड में हीट अप हो जाते हैं। मैम हिंदी में तीन सब्सटेंसेस ऐसे कौन से हैं जो पानी में बदल जाते हैं। आइस क्यूब, आइस क्यूब, आइस क्यूब और बटर, पता है तुम्हें बटर मक्खन जो आता है हमारा अमूल का बटर। ठीक है, उसको तुम थोड़ा बहुत गर्म करोगे वो एकदम पिघल जाएगा, वैसे तो सॉलिड होता है लेकिन थोड़ा सा गर्म करोगे आप उसको वो पूरा लिक्विड सा बन जाता है। ठीक है, समझ मैम। शुगर मैम, घी भी, घी भी, हाँ ठीक है, बस तीन लिखना था, वो तुम कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, शुगर कैसे मेल्ट होगा, वो तो पानी में मिलेगा तो होगा ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड कॉज अ लिक्विड टू टर्न इनटू, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से सॉलिड बन जाए। मैम कूलिंग इट अंटिल इट फ्रीज। मैम थर्ड ऑप्शन पक्का? यस मैम। समझ आया मैम? समझ में नहीं आया, अरे शर्मावत बता दो। देखो उसने बोला है कि जो लिक्विड है उससे सॉलिड कैसे बना, पानी से बर्फ, बर्फ बर्फ, ठीक है, बर्फ कैसे बना। तो फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बच्चे, क्यों यार क्या हुआ तुम लोग, काहे तुम अपने घर का कहानी हमको सुना रहे हैं। पोरिंग इनटू अ कंटेनर, तो अगर आप कुछ कंटेनर में डालोगे तो क्या उससे सॉलिड हो जाएगा। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। जब आप इस पानी को उबालोगे क्या वो सॉलिड हो जाएगा। नो मैम, नो मैम। क्या आप उस पानी को फ्रिज में उठा के रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टेम्परेचर द सेम, यानी कि पानी का टेम्परेचर हम या सेम रखने पे वो सॉलिड हो जाएगा। नो मैम, नो मैम, नो मैम। अब सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। आई एम वन अमंग थ्री स्टेट्स, मैं उन तीनों में से एक हूँ जो कि एक है कौन। ठीक है, I have loosely arranged particles. मेरे जो particles हैं, मैम गैस, मैम वाटर, क्या मैम गैस, मेरे particles ऐसे दूर दूर पड़े हुए हैं, है ना, तो जब आप मुझे हीट करोगे तो मैं वेपर बन जाऊंगा, मैं भाप बन जाऊंगा। मैम गैस, मैम गैस, मैम वाटर, मैम वाटर, मैम वाटर, मैम वाटर, मैम वाटर, वाटर बेटा, इसने पूछा आई बिकम वेपर ऑन हीटिंग, वाटर वेपर गैस होता है बच्चे, क्या हो गया। ये तो वही बात होगी, मैंने तुमको राम सीता की कहानी बताई, तुम कह रहे हो राम सीता भाई बहन। है पूरी पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, तुम कह रहे हो वेपर लिक्विड है। इसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, तीन स्टेट में से ऐसा कौन सा एक स्टेट है जिसमें कि
पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर पड़े हुए हैं और वो धुआं बदल जाते हैं जब आप उसको आग लगाते हो। ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्या होगा? गैस होगा, ठीक है, वाटर वेपर होगा। लिक्विड। क्या कह रहे हो? क्या बोलो बच्चे? लिक्विड नहीं है यार, गैस है। गैस हो, अगर वो निकलवा तब तो हम गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? आई हैव लूजली अरेंज्ड पार्टिकल्स, मेरे पास खुली डुल्ली जगह है, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। आग लगाने पे आई बिकम वेपर ऑन हीटिंग। वाष्प को आग लगाने पर क्या? जब आप आग लगाते हो मैं वेपर बन जाती हूँ। मैम वेपर को ही वेपर कैसे बनाएंगे? ऑन हीटिंग ना मैम। बताओ मैम, आई बिकम वेपर ऑन हीटिंग मीन जब उसको लिक्विड करेंगे तभी वो वेपर बनेगा। आई बिकम वेपर ऑन हीटिंग लिक्विड, मैं वेपर बन जाती हूँ जब मैं जब मुझे हीट मिलती है। ठीक है, दूर दूर ही होते हैं लिक्विड, ये थोड़े से दूर होते हैं। यहाँ पे लिखा है लूजली, पूरी तरह से वो दूर होते हैं। I become vapor on heating, correct. तो जब आप मुझे heat करोगे तो बिल्कुल तुम सही हो गए मैम, गलत 0 point मैम को और तुम लोग 1 point, बट ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस? इसमें से कौन सा गैस का प्रॉपर्टी नहीं है? गैसेस के पास डिफिनाइट शेप नहीं होता, गैसेस के पास डिफिनाइट शेप नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन का, हाँ जी मैम, क्या जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है और जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है गैस में। मैम गैस में वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती है। आपके ऑप्शन सही है, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दोनों बताया तो था। यस मैम, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा गैस के बारे में गलत है? तो फर्स्ट वाला गलत है, गैसेस के पास डेफिनेट शेप नहीं होता, गैसेस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है, जिसमें आपने देखा था कि जैसे ही डिफ्यूजन, बिफोर डिफ्यूजन साथ साथ में थे सारे, जैसे आपने डिफ्यूजन देखी दूर दूर हो गए सारे, ठीक है। पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन यानी कि कहीं पे भी घूम सकता है गैस, क्या ये सच है? यस मैम। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन।
बिल्कुल चलो नेक्स्ट द अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप. ऐसा कौन सा मैटर है जिसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन उसका एक वॉल्यूम है. कौन इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पेपर. गैस है, गैस के पास शेप नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल कौन सा ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, अगेन गैस है वो. मैम केरोसिन. इसके बाद मैम ने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाओगे. ठीक है, समझ में आ गया? ओके मैम. मैम जो घर से लाना कर रही हूँ मैम. सबको समझ में आज की क्लास सबको समझ में आई? पहले ये बताओ. यस मैम. दैट्स ऑल फॉर टुडे.